रहमान रहीम। पिछली क्लास में हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज पढ़े थे और इससे पहले हमने मटेरियल सिलेक्शन चार्ट्स पढ़े थे कि हम सॉफ्टवेयर की मदद से मुख्तलिफ चार्ट से कैसे मटेरियल सिलेक्शन करेंगे या शॉर्टलिस्टिंग या स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में है मटेरियल सिलेक्शन द बेसिक्स। दिस चैप्टर सेट आउट द बेसिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन। We are interested in establishing the link between material and function. ठीक है, पहले पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस चेंज करते हैं तो उससे मटेरियल में फर्क आता है। मतलब अगर हम एक प्रोसेस करते हैं उसके लिए एक मटेरियल रिक्वायर होगी, अगर उसकी जगह हम दूसरी प्रोसेस सेलेक्ट कर लें तो उसके साथ मटेरियल भी चेंज होगी। इस तरह शेप, अगर हम एक प्रोडक्ट का शेप चेंज करते हैं तो उसके साथ भी मटेरियल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह फंक्शन, फंक्शन के लिहाज, अगर हम फंक्शन चेंज करते हैं तो फंक्शन से भी मटेरियल चेंज होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रेंट और प्री वेरिएबल हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप उसका फंक्शन क्या है, उस प्रोडक्ट का फंक्शन क्या है, पहला उसका फंक्शन क्या है, दूसरा उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरा उसके कंस्ट्रेंट क्या है, और चौथा उसमें प्री वेरिएबल। जो आपके साथ प्री वेरिएबल का मतलब आपके साथ चॉइस है, उसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ें हम उसमें डिफाइन करेंगे। तो आज के लेक्चर में फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। अगर मटेरियल का फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन का मतलब है आप बाइसिकल हैं तो बाइसिकल आप अपनी अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भी ले सकते हैं तो उसका फंक्शन अलग है। बच्चों के लिए जो बाइसिकल लेते हैं उसका फंक्शन अलग है, और रेस बाइसिकल जो है जिसपे आप रेस लगाते हैं उसका फंक्शन अलग है। ठीक है, तो इसलिए फंक्शन अगर चेंज होता है तो उसके साथ मटेरियल चेंज होते हैं। ठीक है, तो दिस रिगार्डिंग शेप एंड प्रोसेस फॉर ए मोमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि इस लेक्चर में हम फंक्शन और मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग द लिंक बिटवीन मटीरियल्स एंड फंक्शन दिस रिगार्डिंग शेप एंड प्रोसेस फॉर ए मोमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मटीरियल और फंक्शन के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में। मटीरियल सिलेक्शन, मटीरियल हैज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, इट्स प्रॉपर्टीज प्रोफाइल सच एज इट्स डेंसिटी, और ज़्यादातर प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में डिस्कस की है, डेंसिटी, स्ट्रेंथ, कास्ट, कोरोजन रेजिस्टेंस ईटीसी। तो ये सारे हमारे साथ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। डेंसिटी जनरल प्रॉपर्टी है, कास्ट जनरल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस के मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ए डिजाइन डिमांड सर्टन प्रोफाइल ऑफ एट्रीब्यूट, ई.जी. ए लो डेंसिटी, हाई स्ट्रेंथ, मॉडेस्ट कास्ट एंड रेजिस्टेंस टू सी वाटर। अक्सर अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो हम लो डेंसिटी और हाई स्ट्रेंथ की तरफ जाती है, और इसके अलावा कास्ट, कास्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इसमें, एंड रेजिस्टेंस टू सी वाटर। ठीक है, मतलब ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करना है जिसका डेंसिटी कम हो, जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, जिसका कास्ट बहुत ज़्यादा ना हो और रेजिस्टेंस टू सी वाटर हो। मटीरियल सेलेक्शन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द डिजायर्ड प्रॉपर्टी प्रोफाइल एंड फाइंडिंग द बेस्ट मटीरियल। हम स्टार्ट करते हैं पूरी मटीरियल से और आखिर में हम बेस्ट मटीरियल सेलेक्ट करते हैं। तो मटीरियल सिलेक्शन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द डिजायर्ड प्रॉपर्टी प्रोफाइल एंड फाइंडिंग द बेस्ट मैच मटीरियल। स्टार्ट करते हैं होल फैमिली से, होल क्लास से, और आखिर में जो बेस्ट मैच करता है उसको हम सेलेक्ट करता है। जिस तरह हमने चार्ट में पढ़े थे, हम पूरा मटेरियल का पूरा कैंडम लेते हैं, फिर उसमें हमारे साथ एक क्लास फॉर एग्जांपल मेटल आते हैं, मेटल में फिर उसका हम जो ग्राफ ड्रा करते हैं सॉफ्टवेयर में, उस ग्राफ से ऊपर जो प्रॉपर्टी उसके नज़दीक उसके ऊपर जो होता है वो हमारे साथ फाइनल सिलेक्शन होता है। मतलब उसके बाद हम जो बेस्ट मैच होता है, बेस्ट मैच करता है उसमें हम सेलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 से 50 मटीरियल सेलेक्ट की। अब इस 50 मटेरियल का हम कंपैरिजन करते हैं, जो बेस्ट प्रॉपर्टी के साथ मैच करता हो तो उसको हम फाइनली सेलेक्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट
टू स्टार्ट विद फुल मेन्यू ऑफ मटेरियल एंड माइंड, मतलब स्टार्ट आप फुल मटेरियल से ले, जितनी भी मटेरियल है सबसे पहले आप स्टार्ट उन सब से ले लें। अगर आप उसमें एक क्लास छोड़ें तो इसका मतलब यह है कि आपने मिसिंग मे बी उसमें ऐसा मटेरियल जो मैच करता हो आपने वो छोड़ दिया। फेलियर टू डू सो मेनी मीन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी, सो मे मीन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आपने ऐसा नहीं किया, फुल मेन्यू ऑफ मटेरियल सेलेक्ट नहीं लिया, इसका मतलब कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस किया। मे बी कि आपने पॉलीमर छोड़ दिया और वो बेस्ट मैच वो पॉलीमर में आता हो। मटेरियल सिलेक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टू स्टेप्स, आइडेंटिफाई द डिजायर्ड प्रॉपर्टी प्रोफाइल, फाइंडिंग द बेस्ट मैच मटेरियल। ठीक है, मटेरियल मतलब इसका वर्क एंड टेम्परेचर कितना है, कितना स्ट्रेस या कितना लोड ये ले सकता है। ठीक है, डेंसिटी किस रेंज में होना चाहिए, कास्ट किस हद तक होना चाहिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी आप आइडेंटिफाई कर लें। फाइंडिंग द बेस्ट मैच मटेरियल और फिर उस प्रॉपर्टी के साथ जो मटेरियल मैच करता हो तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। तो जो पहले चार्ट हमने पढ़ा, चार्ट का फायदा ये है कि उस सिलेक्शन कम करता है, मतलब लाखों मटेरियल है, लाखों मटेरियल से हम 50 या 100 में आते हैं तो सिलेक्शन बहुत आसान होता है। तो फिर हम उस सिलेक्शन के साथ जो परस करीब 50 आ गई या 100 आ गई, उसके साथ हम जो फंक्शन है, जो प्रोडक्ट का फंक्शन है और जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसका मुआजना करते हैं, तो उस 50 या 100 मटेरियल में जो बेस्ट मैच करता है उसको हम फाइनली सेलेक्ट करते हैं। इमेंसली वाइड चॉइस ऑफ मटेरियल इज नैरोड बाय स्क्रीनिंग एंड रैंकिंग एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। और स्क्रीनिंग और रैंकिंग हमने पिछली क्लास में किया था कि आप परस करीब दो प्रॉपर्टी है, दोनों हाई होना चाहिए, तो हमारे साथ एक हाई रीजन है, ये पिछली क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था, एक हमारे साथ हाई रीजन है, एक हमारे साथ लो रीजन है और दो हमारे साथ लो हाई और हाई लो रीजन है। तो उस रीजन से आप स्क्रीनिंग और रैंकिंग कर सकते हैं टू गिव ए शॉर्ट लिस्ट, कम कर ले मटेरियल, कम कर ले, मतलब ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका डेंसिटी कम हो और यंग मॉडुलस ज्यादा हो, तो यंग मॉडुलस और डेंसिटी ग्राफ से आप हाई लो वाले सेलेक्ट करें। ऐसा रीजन जहाँ पे यंग मॉडुलस ज्यादा हो, हाई हो और डेंसिटी लो हो, तो हाई लो रीजन में आप जाए। ठीक है, या उसका कंटूर आप ड्रा कर ले, कंटूर ड्रा कर ले हाई लो रीजन में जाए, तो वहां से कंटूर के ऊपर और हाई लो रीजन में जो मटेरियल हो उसको सेलेक्ट कर ले। शॉर्टलिस्टिंग हो गया, शॉर्टलिस्ट मतलब 15 या 20 या 100 या 50 हमने सेलेक्ट कर दी। तो स्क्रीनिंग एंड रैंक का मतलब टू गिव अ शॉर्ट लिस्ट, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने की थी। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टिंग मटेरियल, जो फाइनल हम सेलेक्ट करते हैं वो दो प्रॉपर्टी से हम नहीं कर सकते, वो 5-6 प्रॉपर्टी से हम करेंगे। हमें डेंसिटी का पता होना चाहिए, हमें यंग मॉडुलस का, हमें स्ट्रेंथ का, हमें स्ट्रेसेस का या वर्किंग टेम्परेचर का। ठीक है, तो 4-5 प्रॉपर्टीज हमें या कास्ट का रेंज हमें कम से कम इतना कास्ट और ज़्यादा से ज़्यादा इस कास्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 4-5 प्रॉपर्टी हमें मालूम होनी चाहिए, तो इससे हम फाइनल सिलेक्शन कर सकते हैं। सिमिलर टू सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर अ जॉब, स्टेप्स आर शॉर्टलिस्टिंग एंड इंटरव्यूइंग। ठीक है, शॉर्टलिस्टिंग जो मैंने बताया जो स्क्रीनिंग और रैंकिंग है, इंटरव्यूइंग जो मटेरियल के साथ आप फाइनल मुआजना करते हैं, फाइनल और फाइनल मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरव्यूइंग। मटेरियल एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब है मटेरियल प्रॉपर्टीज, जिस तरह डेंसिटी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह। किंगडम ऑफ मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू फैमिलीज, क्लासेस, सब क्लासेस एंड मेंबर्स। सबसे पहले इधर आपको नजर आता है किंगडम ऑफ मटेरियल, सारी मटेरियल उसकी फैमिलीज, सिरामिक्स है, ग्लासेस है, मेटल्स है, पॉलीमर्स है, इलास्टोमर्स है, हाइब्रिड है। उसकी क्लासेस स्टील, कॉपर एलॉय, मुख्तलिफ किस्म की एलॉयज, सब क्लासेस आप एलुमिनियम एलॉय में मुख्तलिफ किस्म की सब क्लासेस हैं, उसमें मेंबर्स है और आप फिर उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टार्ट हम लेंगे किंगडम से, किंगडम से अगर हमने स्टार्ट नहीं लिया, हमने सिर्फ सिरामिक्स या मेटल से स्टार्ट ले लिया, तो हमने बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिस कर दी। मे बी कि जो हमने जहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया मेटल से, मे बी कि हमारे प्रॉपर्टी मैच करते हैं सिरामिक्स में और हमने स्टार्ट किया मेटल से। ठीक है, तो किंगडम ऑफ मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू फैमिलीज, क्लासेस, सब क्लास एंड मेंबर। ईच मेंबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, और प्रॉपर्टी सारे हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, ऑप्टिकल, कोरोजन। सेलेक्टिंग इन्वॉल्व्स
Selection involves seeking the best match between properties, profile of the material and the kingdom, and date required by design. Selection हम उसकी मदद से करेंगे. The selection strategy. All material start हम kingdom से लेंगे सारे material से. Translate design requirements. Express as function, constraints, objectives and pre-variables. मैंने आपको बता दिया function. तो function का example मैंने आपको दे दिया कि एक ही product आप बनाते हैं लेकिन उसकी मुख्तलिफ function हो सकते हैं. Constraint का मतलब क्या है? Constraint का मतलब ये है कि इसका cost, फर्ज करिए हम कहते हैं कि इसका cost $100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका constraint है. या हम कहते हैं कि इसका temperature 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट है. या हम कहते हैं कि लेंथ 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट है. ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है. कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव बाद अवकात चेंज होते हैं. एंड प्री वेरिएबल आपके साथ है, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं. स्क्रीन यूजिंग, तो ये सारे ट्रांसलेट डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, ये डिज़ाइन फंक्शन आपको पता हो, कंस्ट्रेंट आपको पता हो, ऑब्जेक्टिव आपको पता हो, और फ्री वेरिएबल जो आपका चॉइस है वो आपको पता हो. ठीक है, तो ये हमारे साथ डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं. स्क्रीन यूजिंग कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट की मदद से आप स्क्रीनिंग कर दें, मतलब एलिमिनेट मटीरियल दैट कैन नॉट डू द जॉब. आप ऐसा मटीरियल जिसका जो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्किंग कंडीशन में ना हो, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ख़राब होता है, तो ऐसे मटेरियल को एलिमिनेट कर लें. या ऐसे मटेरियल अगर स्ट्रेस परस करें, एक ख़ास पॉइंट पे पहुंच जाए वो उसको नहीं ले सकता, तो ऐसे मटेरियल को एलिमिनेट कर लें. ठीक है, तो कंस्ट्रेंट डिफाइन होंगे, तो कंस्ट्रेंट की मदद से आप स्क्रीनिंग कर दें. ऐसे मटेरियल जो बेस्ट ना हो जॉब के लिए, फंक्शन के लिए, उसको आप एलिमिनेट कर लें. रैंक यूजिंग ऑब्जेक्टिव्स, फाइंड दी, तो ऑब्जेक्टिव की मदद से मटेरियल सेलेक्ट कर लें, फाइंड दी कंस्ट्रेंट की मदद से एलिमिनेशन कर ले, मटेरियल ख़त्म कर दे. अब जो ख़त्म हो तो ख़त्म हो गई, बाकी जो रह गई अब उसमें ऑब्जेक्टिव के, अगर आपको ऑब्जेक्टिव मालूम हो तो इसकी मदद से आप सिलेक्शन कर लें. फाइंड द स्क्रीन मटेरियल दैट डू द जॉब बेस्ट ऑफ, कंस्ट्रेंट में जो बेस्ट जॉब नहीं करता उसको एलिमिनेट कर लें, ऑब्जेक्टिव में जो बेस्ट जॉब करता है उसको इंक्लूड कर लें. सीक सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, रिसर्च द फैमिली हिस्ट्री ऑफ टॉप रैंक कैंडिडेट्स. मतलब अब आपने बेस्ट मटेरियल सेलेक्ट की, वो परस करें 15 आ गई, अब इसमें आप कैसे, तो जो आपको प्रॉपर्टी मालूम है या जो आपने हैंडबुक्स देखे हैं या चार्ट्स, मुख्तलिफ चार्ट्स देखे हैं या सॉफ्टवेयर से आपको पता है, ऐसे मटीरियल जो, या आपको मटीरियल के प्रॉपर्टीज मालूम हो, तो उस मटीरियल के प्रॉपर्टी से आप फाइनल सिलेक्शन कर लें और वो मटीरियल सेलेक्ट करें, एक मटीरियल जो बेस्ट हो, फाइनल मटीरियल चॉइस. ठीक है, तो इसमें आप फाइनल मटीरियल सेलेक्ट कर दें. तो स्टार्ट में आपको फंक्शन, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव, वेरिएबल मालूम हो, फिर आप जो कंस्ट्रेंट के मुताबिक ना हो उसको एलिमिनेट कर लें, फिर जो ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हो वो इंक्लूड कर लें, बेस्ट जॉब के लिए, जॉब के लिए बेस्ट हो, और जो बेस्ट है उसमें आप फाइनल सिलेक्शन कर लें. ट्रांसलेशन, हाउ आर द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट फॉर ए कंपोनेंट ट्रांसलेटेड इनटू ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर ए मटीरियल इन्वॉल्व डिफाइनिंग द फॉलोइंग टास्क. चार अहम पॉइंट्स हैं, ये चार बहुत अहम पॉइंट हैं, जितनी भी केस स्टडी आप करेंगे इसमें सबसे पहले आप ये चार चीज़ें डिफाइन करेंगे. आप प्लाईवुड के लिए मटीरियल सेलेक्ट करते हैं, आप किसी दूसरी प्रोडक्ट के लिए मटीरियल सेलेक्ट करते हैं, तो आपको फंक्शन, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव, प्री वेरिएबल का पता होगा. ज़रूरी नहीं है कि दो बंदे एक मटीरियल, एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसकी कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव और सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है. हाउ आर दे, तो फंक्शन, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव, तो फंक्शन का मतलब व्हाट डज कंपोनेंट डू, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं उसका फंक्शन क्या है. कंस्ट्रेंट, व्हाट नॉन निगोशिएबल कंडीशन मस्ट बी मेट, जो एक्सेसिबल हो और जो मेट हो, जो एक्सेसिबल ना हो बट डिजायर्ड कंडीशन, लेकिन वो डिजायर्ड हो. ठीक है, तो उसमें हम सारे सबका स्टडी करेंगे, जो नॉन निगोशिएबल हो, एक्सेसिबल ना हो, जो निगोशिएबल हो, एक्सेसिबल हो, सबका हम स्टडी करेंगे कंस्ट्रेंट में. और इसके एग्जांपल मैंने आपको दे दी. ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड आर मिनिमाइज्ड, व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड आर मिनिमाइज्ड का मतलब क्या है.
फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव मास है, तो मास को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं करते जो कंस्ट्रेंट को क्रॉस कर ले। फॉर एग्जाम्पल हम एक बीम बनाते हैं, हम एक बीम बनाते हैं और वो बीम प्रेस करें 300 न्यूटन लोड के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। अब अगर इसका मास इतना भी कम नहीं होगा कि 300 लोड को ये बर्दाश्त ना करें, हम मास को मिनिमाइज करेंगे लेकिन इतना भी मिनिमाइज नहीं करेंगे कि ये 300 न्यूटन लोड को बर्दाश्त ना करें। ठीक है, तरह हम बाज मटेरियल मैक्सिमाइज करते हैं इनवर्स ऑफ मास, मास का रेसिप्रोकल हो, ठीक है, तो उसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, या कास्ट हो तो कास्ट को भी हम मिनिमाइज करते हैं, लेकिन एक खास लेवल तक हम मिनिमाइज करते हैं। कंस्ट्रेंट में डिफाइन होगा, कंस्ट्रेंट में डिफाइन होगा कि कितना हम इसको मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो और तो ऑब्जेक्टिव मैंने आप बता दिया कि कौन सा चीज हम मिनिमाइज कर ले, कौन सा चीज हम मिनिमाइज कर ले। कंस्ट्रेंट को हम देखेंगे, मिनिमाइज इतना नहीं कि हम जीरो कर दें, मैक्सिमाइज इतना नहीं कि हम बिल्कुल इतना इतनी हद पे कॉस्ट इतना हम इंक्रीज कर लें कि हमारे लेवल से ऊपर हो, हमारे बजट लेवल से ऊपर हो। तो ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इसके एग्जांपल आगे आ जाएंगे आज के लेक्चर में, लेकिन ये हम कंस्ट्रेंट के मुताबिक करेंगे। प्री वेरिएबल व्हाट पैरामीटर ऑफ द प्रॉब्लम इज द डिजाइनर फ्री टू चेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ और डाया हमारे साथ हो, इसकी कुछ कंस्ट्रेंट हो, लेकिन एरिया हमारे साथ प्री वेरिएबल हो। इस तरह हो सकता है कि एरिया हमारे साथ प्री वेरिएबल हो, तो अपने चॉइस के मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे साथ ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शन, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव, प्री वेरिएबल। ये आपको क्लियर होनी चाहिए, आप केस स्टडी करते हैं, मैंने प्रोजेक्ट करते हैं, तो आपको उस प्रोडक्ट की फंक्शन, कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव और प्री वेरिएबल क्लियर होनी चाहिए। स्क्रीनिंग एंड रैंकिंग, ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद फुल मेन्यू ऑफ मटेरियल। स्क्रीनिंग और रैंकिंग पहले हमने डिस्कस किया फ्लो चार्ट में, क्लियर टू डू सो में मीन मेस्ट अप, यह हमने पहले बता दिया कि स्टार्ट हम पूरी किंगडम से लेंगे। अगर हमने एक क्लास भी चुन दिया तो मे बी कि हमने कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। प्राइमरी कंस्ट्रेंट, प्रॉपर्टी लिमिट्स, स्क्रीन आउट द मटेरियल विच कैन नॉट मीट द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, वो प्रॉपर्टी एलिमिनेट, खत्म कर दे वो मटेरियल जो डिजाइन रिक्वायरमेंट मतलब फंक्शन को ओबे ना करे। ठीक है, प्रॉपर्टी लिमिट्स, आइसोलेट मटेरियल विच आर केपेबल ऑफ डूइंग जॉब। ठीक है, ईजी कंपोनेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, कंपोनेंट मस्ट फंक्शन एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे काम नहीं करता। तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर वाली मटेरियल उसको आप एलिमिनेट कर दें। ठीक है, आइसोलेट मटेरियल विच आर केपेबल ऑफ डूइंग जॉब, ईजी कंपोनेंट मस्ट फंक्शन एट 250, तो जो 250 हो या 250 से ऊपर पे वर्किंग कंडीशन में हो, उसका मैक्स सर्विस टेम्परेचर हो, मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर, मिनिमम सर्विस टेम्परेचर हो, हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, तो उसको आप इंक्लूड कर लें, जो इससे कम हो उसको ख़त्म कर दें। प्राइमरी कंस्ट्रेंट और प्रॉपर्टी लिमिट में स्टिल गिव मेनी मटेरियल, वी नीड सम अदर ऑप्टिमाइजेशन टू मैक्सिमाइज प्रॉपर परफॉर्मेंस एंड रैंक कैंडिडेट। इसका मतलब ये है कि हमने स्क्रीनिंग भी कर दिया, प्रॉपर्टी लिमिट्स भी अप्लाई कर दिया, लेकिन इसके बाद भी बहुत ज़्यादा मटीरियल, तो अभी फर्दर सिलेक्शन होगा। हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन के बाद कंस्ट्रेंट डिफाइन की, फिर ऑब्जेक्टिव डिफाइन की, ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे साथ ये सारी चीज़ें परस करें हमने डिफाइन कर ली, लेकिन इसके बाद भी 100 मटेरियल आ गई, तो 100 मटेरियल में फिर सिलेक्शन करना आसान काम नहीं है। तो फर्दर हम कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर, जिस तरह मटीरियल इंडेक्सेस, मटीरियल इंडेक्सेस ये यंग मॉडुलस और डेंसिटी का रेशियो है, और ये मैंने जो पिछली क्लासेस है उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह मालूम करेंगे, जिस तरह हमने लॉग ले लिया था उसका स्लोप मालूम किया था, और फिर वही स्लोप हम वो कंटूर हम सॉफ्टवेयर में ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, दे आर ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी विच व्हेन मैक्सिमाइज्ड
मैक्सिमाइज सम एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ईजी ई बाय रो, तो ई बाय रो हम मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज तब होगा स्ट्रेंथ ज्यादा हो डेंसिटी कम हो, लेकिन डेंसिटी इतना कम नहीं होगा कि कंस्ट्रेंट को क्रॉस कर ले, इतना कम नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम यंग मॉडुलस ज्यादा कर ले, ऐसा मटेरियल ले लें जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा हो, जिसका डेंसिटी कम हो, लेकिन एक कंस्ट्रेंट विद इन कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट का ख्याल हम रखेंगे। मटेरियल आइडेंटिफाई मटेरियल अमंग देम व्हिच कैन डू द जॉब वेल। तो ये हमने मटेरियल एंडिसेस हमने डिस्कस की थी, और ये मैंने आपको बताया ई बाय रो कहीं आता है ई डिवाइड बाय रो पावर वन ओवर टू, तो इसको हम मिनिमाइज करेंगे। अगर रो बाय ई आ जाए तो रो बाय उसका इलिट है, तो इसको हम फिर मिनिमाइज करेंगे। अगर ई बाय रो हो, यंग मॉडुलस ऊपर हो डेंसिटी नीचे हो, इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे विद इन कंस्ट्रेंट। अगर रो बाय ई हो, इसको हम मिनिमाइज करेंगे विद इन कंस्ट्रेंट। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन एंड लोकल कंडीशंस मोस्टली डिस्क्रिप्टिव ग्राफिकल और पिक्टोरियल। जो हमने पिछले बताया डिस्क्रिप्टिव मतलब कि हमें प्रॉपर्टी का पता हो, ग्राफिकल मतलब चार्ट हमने बना लिया, केस स्टडीज ऑफ प्रीवियस यूजेज ऑफ मटेरियल मतलब फर्ज करें आप फ्लाईव्हील या कनेक्टिंग रॉड बनाते हैं, तो कनेक्टिंग रॉड पिछली मुख्तलिफ मटीरियल से बना है, तो सबसे पहले उसको स्टडी कर लें। इस तरह हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, इस तरह मटीरियल स्टडी में आप केस स्टडीज कर लें कि पिछली जो लोगों ने बनाया है किस मटीरियल से बनाया है, और उसमें उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो पहले आप स्टडी कर लें। अगर आप वो स्टडी कर तो फिर आपको सिलेक्शन में आसानी होगी। ये सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है, लिटरेचर रिव्यू भी सपोर्ट है। लिटरेचर रिव्यू अगर हम ना करें तो हम रिसर्च ना नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन हैंड बुक्स, सप्लायर डेटा शीट्स, अदर सोर्सेज, जो डेटा शीट आपको सप्लाई कर इंडस्ट्री ने किसी ने सप्लाई की हो, अदर सोर्सेज हो, इंटरनेट है, फर्दर नैरो डाउन द मटेरियल सिलेक्शन, तो इसकी मदद से आप सिलेक्शन को नैरो डाउन कर सकते हैं। लोकल कंडीशन एग्जिस्टिंग इन हाउस एक्सपर्टीज आर इक्विपमेंट, ठीक है मतलब आपकी एक्सपर्टीज है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल सप्लायर, नो स्कीमेटिक प्रोसीजर एक्सपीरियंस बेस्ट। बस कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो। एक बंदा है वो एक इंडस्ट्री में 10 साल उसने काम किया है, दूसरा आ गया वो उससे बहुत काबिल है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसने उसका एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस हो वो ज़्यादा समझता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बेस्ट, ये लोकल कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है। डिराइविंग प्रॉपर्टी लिमिट्स एंड मटेरियल इंडेक्सेस, तो ये मटेरियल इंडेक्सेस ये हमने पहले डिराइव की थी, मैंने आपको तरीका बताया था, लॉग ले लें, फिर आप लॉग के कानून अप्लाई कर लें, और फिर इसे आप स्लोप मालूम कर लें, y इज इक्वल टू mx + c पावर में कन्वर्ट कर लें, और फिर उससे आप स्लोप मालूम कर लें। डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मटेरियल आर ट्रांसलेटेड इनटू फंक्शन ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दी, कंस्ट्रेंट मैंने आपको बता दी। फंक्शन मे बी वन आर मोर, वह एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, अक्सर कंडीशन में एक होता है। ईजी टू सपोर्ट लोड, फॉर एग्जाम्पल हम बीम बनाते हैं, टू कंटेन प्रेशर प्रेशर वेसल। ऑब्जेक्टिव मे बी सिंगल बट नॉर्मली ए कम्बिनेशन, ऑब्जेक्टिव एक से ज्यादा हो सकते हैं। ईजी मेक एज चीप एज पॉसिबल, अब ये देखिए एज चीप एज पॉसिबल, एज पॉसिबल का मतलब है कि कंस्ट्रेंट को क्रॉस ना करें। मेक एज लाइट एज पॉसिबल, लाइट हो लेकिन इतना लाइट भी ना हो कि कंस्ट्रेंट, और इधर आप बीम बनाते हैं तो बीम आप एक हद तक लाइट बना सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा करते तो फिर वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, कंस्ट्रेंट को क्रॉस करेगा, तो इतना लाइट कि कंस्ट्रेंट को क्रॉस ना करें। ईजी सर्टेन डायमेंशन आर फिक्स्ड, कंपोनेंट मस्ट कैरी ए गिवन लोड, फंक्शन ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट डिफाइन द बाउंड्री कंडीशन फॉर सेलेक्टिंग इन मटीरियल। जिस तरह हम सॉलिड मैकेनिक्स में बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करते हैं, इस तरह आप मटीरियल सेलेक्ट करते हैं, तो ये फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव और ये कंस्ट्रेंट, ये बाउंड्री कंडीशन है। केस स्टडी, अब इधर हीट सिंक है पर हार्ट माइक्रोचिप, इस तरह आप कंप्यूटर के नीचे एक माइक्रोचिप रखते हैं जो जिसकी प्रॉपर्टी ये हो कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। तो आप लोगों को पता है अक्सर हमारे साथ, अक्सर मटेरियल हमारे साथ ये है, अक्सर मटेरियल
आप गुड अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो, और अक्सर मटीरियल जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐसा मटीरियल चाहिए जो गुड कंडक्टर हीट सिंक हो, तो हीट लेता हो लेकिन अगर उसके ऊपर हम लैपटॉप या कोई और चीज़ रख ले तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो होना चाहिए लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेट होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसको इससे कंडक्ट नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा तो प्रॉब्लम बनाएगा, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट कपल्ड टू ए कंस्ट्रेंट द मटेरियल एंड्स इज ए सिंपल मटेरियल प्रॉपर्टी ए हीट सिंक फॉर माइक्रोचिप इलेक्ट्रॉनिक्स द मटेरियल मस्ट बी इंसुलेट इलेक्ट्रिकली बट कंडक्ट हीट एज वेल एज पॉसिबल। ऐसा मटीरियल इस चिप के लिए रिक्वायर्ड है जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो और थर्मली कंडक्ट हो, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो और थर्मली कंडक्ट हो। तो आप इधर देख लें इसके फंक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे, कंस्ट्रेंट कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन करेंगे और फ्री वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन हीट सिंक मतलब कि वो हीट लेगा, हीट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। कंस्ट्रेंट मटीरियल मस्ट बी गुड इंसुलेटर, इसकी रेजिस्टिविटी हमने पिछली क्लास में बताया था 10^19 माइक्रो ओम सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, ठीक है। और ये रेजिस्टिविटी आपको बताया था कि ये कंडक्टिविटी की अपोजिट है, ठीक है। कंडक्टिविटी जितना ज्यादा हो इतना बेस्ट कंडक्टर होगा, रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा हो उतना इंसुलेटर होगा। तो इसकी रेजिस्टिविटी 10^19 माइक्रो ओम सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। All dimension are specified. मतलब dimension given होंगे, length कितनी है, thickness कितनी है, weight कितनी है, मुख्तलिफ dimension given होंगे। Objectives maximize thermal conductivity. अब constraint में क्या है, constraint में ये है कि good insulator होगा और property भी value भी given है। Objective में क्या है, thermal conductivity maximum होना चाहिए, लेकिन ऐसा material नहीं select ना करे जिसकी thermal conductivity के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो। ऐसा मटेरियल सिलेक्ट ना करें, ऐसा मटेरियल सिलेक्ट कर लें जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा हो जितना भी पॉसिबल हो, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो, जिसकी रेजिस्टिविटी 10^19 से माइक्रो ओम सेंटीमीटर से ज्यादा हो, और फ्री वेरिएबल चॉइस ऑफ मटेरियल जो आपके साथ चॉइस है, तो मटेरियल आपके साथ चॉइस है, आप मुख्तलिफ मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि दो बंदे एक मटेरियल सिलेक्ट कर लें, एक बंदे ने एक से लेकर दूसरे ने दोनों बेस्ट हो, ऐसे भी हो सकता है, ये आपके साथ चॉइस है। लेकिन ये चॉइस भी कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव को उबे कर कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव के मुताबिक होगा, ऐसा ना हो कि इसके मुताबिक ना हो, फंक्शन कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हो। अब इधर देख लें, ये सॉफ्टवेयर की मदद से चार्ट बनाया है, एक साइड पे थर्मल कंडक्टिविटी है, दूसरी साइड पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। तो पहले हमने पढ़ लिया कि थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि थर्मली कंडक्टिव हो और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर हो। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी दोनों प्रॉपर्टी हाई हो। तो ये हाई रीजन स्क्रीनिंग में हम ये हाई रीजन सेलेक्ट करेंगे। अब ये लाइन हमने कहाँ से ड्रा कर दिया है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी 10^19 माइक्रो ओम सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तो ये लाइन हमने ड्रा कर दिया है। और थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ लाइन ड्रा किया है। और ये अब इस रीजन से हमने सेलेक्ट करना है, इस रीजन से हमने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें एक मटेरियल नजर आता है जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमारे साथ ऐसा मटीरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी है और इलेक्ट्रिकली इंसुलेट भी है, हाई रीजन में आ गया। इसी तरह इधर दो और मटेरियल भी है लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड लगता है। तो हम इस रीजन से, इसका मतलब ये है कि हम इस रीजन से सिलेक्शन करेंगे वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो और थर्मली कंडक्टिव हो। अब इधर उसके डिटेल है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब इधर देखें हमारे साथ मुख्तलिफ मटीरियल हैं जो हाई रीजन में नज़र आते हैं, जिसमें एक जो बेस्ट हमें नज़र आता है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की डेंसिटी
3.26 to 3.33 है. प्राइस 70 to 95 डॉलर पर केजी, मतलब एक केजी तकरीबन 90-95 डॉलर का है. ठीक है, प्राइस चेंज हो सकता है, मत जरूरी है कि हर दौर के लिए प्राइस चेंज हो सकता है और अक्सर इंक्रीज होता है. थर्मल कंडक्टिविटी 80 to 200 वाट पर मीटर पर केल्विन है. थर्मल एक्सपेंशन 4.9 to 6.2 है. माइक्रो स्ट्रेन पर केल्विन है और टेम्परेचर सर्विस मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर इस रेंज में है. ठीक है, इस तरह यंग मॉडुलस हार्डनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर टफनेस, इस तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में रेजिस्टिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉस्ट, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी. सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हैज प्रॉपर्टी, आपको पता है, आप मालूम कर सकते हैं. एल्यूमिनियम नाइट्राइड हैज एन अनयूजुअल कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी. अनयूजुअल मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपोजिट प्रॉपर्टी इसमें कंबाइन है. मैंने आपको बता दिया कि अक्सर मटीरियल जो थर्मली कंडक्टिव हो, थर्मली इलेक्ट्रिकली भी कंडक्टिव होते हैं, लेकिन इसकी अनयूजुअल मामूल के खिलाफ कम्बिनेशन है. इसकी कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है. इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड बट एन एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट. और हमें ऐसा मटीरियल चाहिए जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हो और हीट कंडक्शन हो, हीट कंडक्टर हो. दिस इज जस्ट व्हाट इज वांटेड फॉर सबस्ट्रेट्स फॉर हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. फॉर सबस्ट्रेट मस्ट इंसुलेट येट एंड लो येट कंडक्ट द हीट आउट ऑफ द माइक्रोचिप. हीट कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो. Thus, and at high strength, chemically stability and low expansion give it a specific role at a. इसकी thermal expansion कम है, chemically stable है, इसकी strength ज़्यादा है, तो ये और इसकी property है जो इस जो best properties है. Aluminium nitride start as a powder, is pressed with a polymer binder to the desired shape, then fired at a high temperature, burning up the binder and causing the powder to center. ये powder metallurgy है. इसमें हम क्या करते हैं, पाउडर मेटलर्जी में हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड की पाउडर लेते हैं, जो माइक्रो हो या नैनो हो, ठीक है, उसकी पाउडर हम लेते हैं, उसको हम मिक्स करते हैं एल्यूमिनियम और नाइट्राइड की, मिक्स करते हैं, बाइंड करते हैं. ठीक है, तो मिक्स हम मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं, बाल मिलिंग से भी कर सकते हैं, इसके अलावा और तरीके भी हैं. इसके बाद इसको हम सेंटर करते हैं, सेंटरिंग, इसके बाद हम कंपैक्ट करते हैं, कंपैक्शन करते हैं, कंपैक्शन के बाद हम सेंटरिंग करते हैं, फाइनली हम सॉलिड एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाते हैं. और इसकी प्रॉपर्टी बेस्ट है जो मैंने आपको बता दिया. टेक्निकल नोट्स, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज पार्टिकुलर अनयूजुअल, ये मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टिविटी ज़्यादा है और इंसुलेशन है. ठीक है, टिपिकल यूज इज सबस्ट्रेट्स फॉर माइक्रो सर्किट, चिप कैरियर, हीट सिंक्स, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें यूज इसकी यूजेस है. ठीक है, तो इसके स्टडी का मतलब ये है कि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए चिप्स के लिए कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिकली इंसुलेट हो. तो इसका पूरा डिस्कशन मैंने आपके सामने कर दिया और इंशाल्लाह आपको क्लियर हो तो कोई मसला नहीं होगा. मैकेनिकल कंपोनेंट्स, हमारे साथ मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है, 4 बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट, ईच वन आल्सो एम्प्लाई ए फंक्शन. हमारे साथ टाई है, टाई हमारे साथ टेंसाइल मेंबर है, टाई हमारे साथ टेंसाइल मेंबर है. इस तरह बीम हमारे साथ मेंबर एंड बेंडिंग है. इस तरह मैंने आपको 3 पॉइंट टेस्ट बताया था कि 3 पॉइंट टेस्ट में 2 सपोर्ट होते हैं और 1 पॉइंट पे हम लोड अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये हमारे साथ बेंडिंग में स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है, इस तरह शाफ्ट है, इस पर टॉर्शन अप्लाई होता है, तो मेंबर एंड टॉर्शन. ठीक है, इस तरह कॉलम है, जब इस पर कंप्रेसिव लोड, तो इसको हम कंप्रेसिव मेंबर कहते हैं. तो हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, टेंसाइल हो सकते हैं, बेंडिंग हो सकता है, टॉर्शन भी हो सकता है और कंप्रेसिव. तो टेंसाइल मेंबर के अपने मटेरियल है, मेंबर एंड बेंडिंग के लिए हम अलग मटेरियल यूज़ करते हैं, टॉर्शन के लिए हम अलग मटेरियल यूज़ करते हैं, कंप्रेसिव मेंबर के लिए हम अलग मटेरियल यूज़ करते हैं. मैकेनिकल कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया, टेंसाइल टाई है, ये बीम है, बेंडिंग टॉर्शन शाफ्ट है टॉर्शन में,
आवर कॉलम है कंप्रेशन में, ठीक है, एरिया ए वन, एरिया ए वन सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया पोलर मोमेंट ऑफ एरिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। बास कंडीशन में हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया मालूम करते हैं, बास में हम पोलर मोमेंट ऑफ एरिया मालूम करते हैं, जब टार्शन हो तो टार्शन कंडीशन में हम पोलर मोमेंट ऑफ एरिया मालूम करते हैं, ठीक है, बेंडिंग में हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया और कंप्रेशन में हम भी सेकंड मोमेंट ऑफ, मतलब बेंडिंग कंप्रेशन में हम सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया मालूम करते हैं और टार्शन में हम पोलर मोमेंट ऑफ एरिया मालूम करते हैं। फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट टाई कैरी टेंसाइल लोड्स बीम्स कैरी बेंडिंग मोमेंट, जो मैंने आपको बता दिया, शाफ्ट्स कैरी टॉर्क्स और कॉलम कैरी कंप्रेसिव एक्सियल लोड्स। तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि टाई हम टेंशन में यूज करते हैं, बीम हम बेंडिंग में, शाफ्ट हम टॉर्क्स टॉर्शन में, कॉलम हम कंप्रेशन में। अब फर्ज करिए बीम है तो ये स्टेप होना चाहिए, इसमें बेंडिंग आता है तो ये स्टेपनेस, मैंने आपको बताया अगर एक मटेरियल जो ब्रेक होता है, एक मटेरियल आसानी से ब्रेक होता है, हम कहते हैं इसका स्ट्रेंथ कम है, एक मटेरियल हम आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, हम कहते हैं इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक मटेरियल जिसको हम बेंड कर दें लेकिन ये नहीं टूटता, हम कहते हैं इसकी स्टेपनेस ज्यादा है, और स्टेपनेस के लिए यंग मॉडुलस ज्यादा होना चाहिए, ई ज्यादा होना चाहिए, तो मिनिमाइज मास रो बाई ई पावर वन ओवर टू, अगर इसका उलट हम लिखे उसको फिर हम मैक्सिमाइज लिखेंगे, इधर हम मिनिमाइज लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो अगर बीम के लो तो ये स्टेप होना चाहिए, स्टेपनेस इसका ज्यादा होना चाहिए, यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा, यंग मॉडुलस मैक्सिमम, डेंसिटी मिनिमम, कंस्ट्रेंट की अंदर, कंस्ट्रेंट की लेवल को क्रॉस ना करें, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया आपके सामने। डिराइविंग प्रॉपर्टी लिमिट्स एंड मटीरियल इंडेक्सेस, डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मटीरियल आर ट्रांसलेटेड इनटू फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट, द कंस्ट्रेंट इट मस्ट मीट एंड द ऑब्जेक्टिव डिजाइनर हैज सिलेक्टेड टू ऑप्टिमाइज इट्स परफॉर्मेंस, फंक्शन ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट डिफाइन द बाउंड्री कंडीशन फॉर सिलेक्टिंग इन मटीरियल। ये मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट ये बाउंड्री कंडीशन है, फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए मैकेनिकल कंपोनेंट्स टाई बीम शार्प कॉलम। अब आपको पता है कि टाई का फंक्शन क्या है, बीम का फंक्शन क्या है, शाफ्ट का फंक्शन क्या है और कॉलम का फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव्स कैन बी टू मेक ए टाई एज चीप एज पॉसिबल व्हाइल मीटिंग कंस्ट्रेंट, इतना भी चीप ना हो कि कंस्ट्रेंट को मीट ना करे, ये बार बार मैं आपको बताता हूँ। द कंपोनेंट कैरीज डिजाइन लोड विदाउट फेलिंग, और मास या डेंसिटी इतने लेवल पे होना चाहिए कि फेल ना हो जाए, इतना कम नहीं, डेंसिटी कम होगा लेकिन इतना कम नहीं कि ये डिजाइन लोड को ना ले सके, डिजाइन लोड को बर्दाश्त ना करे, इतना कम नहीं होना चाहिए कि ये डिजाइन लोड को बर्दाश्त ना करे। तो ये बार बार मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी लिमिट्स सम कंस्ट्रेंट ट्रांसलेट इनटू सिंपल लिमिट्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी, और ये मैंने आपको बता दिया कि कंपोनेंट मस्ट ऑपरेट एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड रिजेक्टिंग मटेरियल बिलो मैक्सिमम सर्विस, एक मटेरियल है जो 250 डिग्री, जिसका सर्विस टेम्परेचर मैक्सिमम 250 से कम हो उसको रिजेक्ट कर दें, ऐसी मटीरियल सेलेक्ट कर दें जिसकी मैक्सिमम सर्विस टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। मटीरियल इंडेक्सेस कॉम्बिनेशन ऑफ मटीरियल प्रॉपर्टी विच, जिस तरह हम डेंसिटी और यंग मॉडुलस लेते हैं, विच वेन मैक्सिमाइज सम एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, जिस तरह मैंने बताया अगर ई बाई रो हो मैक्सिमाइज करेंगे, अगर रो बाई ई हो तो मिनिमाइज करेंगे। The design of a structural element is specified by functional requirement, geometry and property of material. अब आता है तीन चीजें हैं, function है, geometry है और material property है। The performance of the element is defined by the equation P is equal to F of G of M, F comma G comma M. Describe सब एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्म, ई जी मास कास्ट, मास भी हो सकता है, कास्ट भी हो सकता है, डेंसिटी और प्रॉपर्टी भी हो सकता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, फंक्शन पे ज्योमेट्री पे और मटीरियल प्रॉपर्टी पे। तो ऐसा भी हो सकता है, बास कंडीशन में इन तीनों से हमारे साथ एक इक्वेशन बनता है, तो इसका एक हम कंटूर ड्रा करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने चार्ट देखी थी, बास चार्ट में एक कंटूर था, बास चार्ट में एक से ज्यादा कंटूर, एक से ज्यादा स्लोप्स थी,
तो अगर ये फंक्शन ज्योमेट्री और मटेरियल प्रॉपर्टी इस सब को हम एक इक्वेशन ले लें तो फिर इसका एक स्लोप होगा तो एक ग्राफ हम ड्रा करेंगे। लेकिन ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, फंक्शन इंडिपेंडेंट हो, ज्योमेट्री इंडिपेंडेंट हो और मटेरियल प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट हो, तो इस अलग इक्वेशन अलग स्लोप बनेंगे, तो फिर दो तीन स्लोप हम मालूम करेंगे और दो तीन कंटूर ड्रा करेंगे, फिर उसी मटेरियल सिलेक्शन में आसानी होगी। ठीक है, तो पी को लिखा है डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इज मास कास्ट, एफ क्या है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शन क्या है इज टाइम मस्ट कैरी स्पेसिफाइड टेंसाइल लोड, कितना लोड ये ले सकता है और टेंशन में, ज्योमेट्रिक पैरामीटर जी क्या है इज लेंथ ऑफ डाई, लेंथ कितना होना चाहिए, डाई कितना होना चाहिए, डाया एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है बास कंडीशन में, एम क्या है मटेरियल प्रॉपर्टी इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डेंसिटी, ठीक है मास स्ट्रेंथ, ऑप्टिमम डिजाइन इज द सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल व्हिच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का फर्क मैंने आपको बता दिया, आप देखेंगे इस कंडीशन में मिनिमाइज करना चाहिए या मिनिमाइज, और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज विद इन द स्ट्रेन विद इन द कंस्ट्रेंट लिमिट्स होंगे। इफ द थ्री पैरामीटर आप सेपरेबल, मैंने आपको बता दिया ये तीनों एक भी हो सकते हैं और सेपरेबल भी हो सकते हैं, separability implies that optimum choice of material become independent of the detail of design, it is same for all geometries and functional requirements, the performance for all f and g is maximized by maximizing f3 of m, ठीक है f3 of m के material index or performance index, ठीक है इसको मतलब material index को हम maximize या minimize करेंगे, each combination of function objective and constraint lead to a different material index, ये मैंने आपको बता दिया इसका मटेरियल इंडेक्स डिपेंडेंट होगा, इसका डिपेंडेंट होगा, इसका डिपेंडेंट होगा, जब मटेरियल इंडेक्स डिपेंडेंट हो जाएंगे तो स्लोप पे डिपेंडेंट होंगे तीन होंगे, तो कंटूर भी हम तीन ड्रा करेंगे चार्ट में, मटेरियल इंडेक्स इज व्हेन ऑब्जेक्टिव आर कपल्ड टू कंस्ट्रेंट, द लोडिंग ऑन ए कंपोनेंट कैन जनरली बी डीकंपोज इनटू सम कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सियल टेंशन बेंडिंग टॉर्शन एंड कंप्रेशन, ऑलमोस्ट ऑलवेज वन मोड डोमिनेट्स, इसमें हम देखेंगे परस्पर एक कम्बिनेशन आ गया जिसमें एक्सियल टेंशन भी हो और टॉर्शन भी हो, इसमें हम देखेंगे कौन सा मूड डोमिनेट करता है, तो उस पे डिपेंड करेगा। डिजाइन प्रॉब्लम डिस्कस मटेरियल सिलेक्शन पर लाइट स्ट्रांग टाई लाइट स्टेप बीम लाइट स्ट्रांग बीम और चीप स्टेप कॉलम, इसके लिए अब आज इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है टाई रॉड फंक्शन डिजाइन रिक्वायरमेंट पर द लाइट टाई, अगर लाइट टाई के लिए हम डिजाइन करते हैं तो इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन क्या टाई रॉड है, टाई रॉड आपको पता है टेंशन में है, टेंशन में काम करता है, इसका फंक्शन टेंसाइल में है, ऑब्जेक्टिव क्या है मिनिमाइज द मास, कंस्ट्रेंट क्या है लेंथ स्पेसिफाइड, मतलब मास इतना कम कर ले कि लेंथ हमें लेंथ गिवन होगा 10 मीटर है 5 मीटर है 50 मीटर है जितना भी हो उससे कम नहीं होना चाहिए, सपोर्ट टेंसाइल लोड, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है सपोर्ट टेंसाइल लोड विदाउट क्रैकिंग, मतलब मास आप मिनिमाइज कर ले लेकिन इतना भी मिनिमाइज ना कर ले कि वो लोड को सपोर्ट ना करे, तो अगर टाई हो तो उसका फंक्शन टाई रॉड है जो आपको पता है, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज द मास, कंस्ट्रेंट क्या है स्पेसिफाई द लेंथ और सपोर्ट टेंसाइल लोड विदाउट ट्रेनिंग, अब अगर डिजाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर द लाइट स्ट्रिप बीम हो तो आपको पता है कंप्रेशन में स्ट्रांग है तो फंक्शन क्या है बीम है, और बीम हमने लिख दिया था बीम का फंक्शन आपको पता है, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज द मास, कंस्ट्रेंट क्या है स्पेसिफाई लेंथ एंड सपोर्ट बेंडिंग लोड, ऊपर में टेंसाइल लोड था और इसमें बेंडिंग लोड है, थ्री पॉइंट बेंडिंग है तो इसमें बेंडिंग लोड कंस्ट्रेंट है, इस तरह लाइट स्ट्रांग बीम है तो इसका फंक्शन बीम आपको पता है मिनिमाइज द मास ऑब्जेक्टिव है और कंस्ट्रेंट क्या है लेंथ स्पेसिफाई एंड बेंडिंग लोड स्पेसिफाई कर ले ताकि फेलियर ना आ जाए, इस तरह चीप कॉलम है तो कॉलम का पता आपको पता है कंप्रेशन में स्ट्रांग होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज द कास्ट और कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई द लेंथ एंड
सपोर्ट कंप्रेसिव लोड विदाउट विदाउट बकलिंग, मतलब इतना सपोर्ट हो कि वो कंप्रेसिव लोड को सपोर्ट कर ले और इसमें बकलिंग ना हो जाए, ठीक है, उसमें बकलिंग ना आ जाए। मटेरियल इंडेक्स फॉर अ लाइट स्ट्रॉन्ग बी टाई, ए डिजाइन कॉल फॉर ए सिलेंड्रिकल टाई रॉड ऑफ स्पेसिफाइड लेंथ एल टू कैरी ए टेंसाइल फोर्स एफ विदाउट फेलियर, इट इज टू बी ऑफ मिनिमाइज मास। आपको पता है मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस मिनिमाइजिंग मास, जितना आप मिनिमाइज कम करते हैं विद इन कंस्ट्रेंट रेंज तो उतना परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज आर मिनिमाइज, जो एनडीएस वाला इक्वेशन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मास इज इक्वल टू ए एल रो, ए एल रो। अब आपको पता है डेंसिटी बराबर है मास बट वॉल्यूम का, तो मास बराबर है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी, और वॉल्यूम बराबर है ए इन टू एल का, तो मास बराबर हो गया ए मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई रो। तो इसमें अब इधर देख ले, इसमें हम मास मिनिमाइज करते हैं, लेकिन अगर मास की इक्वेशन में हम देखें तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेंसिटी है। ये लेंथ और एरिया हम अक्सर प्री वेरिएबल में या कंस्ट्रेंट में लेते हैं, अक्सर एल हम कंस्ट्रेंट में लेते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन अगर हम चेंज करते हैं तो डेंसिटी चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मास को हम मिनिमाइज करना है, हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, अगर ऐसा मटेरियल सेलेक्ट कर ले जिसका डेंसिटी कम हो। वी कैन रिड्यूस एम बाय रिड्यूसिंग एरिया बट देयर इज ए कंस्ट्रेंट, एरिया तो हम कम कर सकते हैं लेकिन एक खास कंस्ट्रेंट है, उससे अगर एरिया कम हो जाए तो फिर वो काम नहीं करेगा। एरिया मस्ट बी एबल टू कैरी लोड विदाउट फेलियर, ठीक है, और इसका इक्वेशन है लाइट स्ट्रॉन्ग टाई का इक्वेशन है एफ बाई ए लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा एफ, ठीक है, इस रेंज में, ताकि इसको क्रॉस ना करे, जो इसका स्ट्रेंथ है। एलिमिनेटिंग ए बाई पुटिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इस इक्वेशन से ए एलिमिनेट कर ले, ए किस तरह एलिमिनेट करेंगे, बाई पुटिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू पुट कर ले तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या है, एम इज इक्वल टू ए एल रो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी एम डिवाइड बाई एल रो, तो एम डिवाइड बाई एल रो यहाँ पे पुट कर ले तो हमारे साथ ये बन जाएगा एफ डिवाइड बाई सिग्मा एफ इज इक्वल लेस देन आर इक्वल टू ए, रीअरेंज कर दिया और फिर एरिया की वैल्यू पुट कर दी एम डिवाइड बाई एल रो, ठीक है, तो एम आ गया। इसी क्वेश्चन को आप रीअरेंज कर लें तो एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ एल रो डिवाइड बाई सिग्मा एफ। अब एफ क्या है, उधर हमने तीन चीजें मैंने आपको बता दी, एक फंक्शन है, एक ज्योमेट्री है और एक मटेरियल इंडेक्स है। तो अब इधर देख ले, इक्वेशन जो हमारे साथ बन गया, ये एफ हमारे साथ फंक्शन है, एल हमारे साथ ज्योमेट्री है लेंथ है, और ये हमारे साथ मटेरियल इंडेक्स है। तो एफ इज इक्वल टू फंक्शन रिक्वायरमेंट, एल इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स और g इज इक्वल टू मटेरियल प्रॉपर्टी। लाइटेस्ट टाई विल बी मेड ऑफ मटेरियल विद स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रो, रो डिवाइड बाय स्ट्रेंथ, डेंसिटी डिवाइड बाय स्ट्रेंथ, ये भी स्मॉल होनी चाहिए। अगर इसको हम रेसिप्रोकल ले लें तो फिर स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसी केस में ये स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर नहीं। लाइटेस्ट टाई विल बी मेड ऑफ मटेरियल विद स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रो डिवाइड बाय सिग्मा एफ, और लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ बाय रो, अगर इसे ग्रो कर ले तो फिर लार्जेस्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। मटेरियल इंडेक्स सिग्मा एफ बाय रो है, ए सिमिलर कैलकुलेशन फॉर अ लाइट स्ट्रिप टाई वन फॉर व्हिच द मॉडुलस ई रादर देन स्ट्रेंथ इज अ स्पेसिफाइड, मटेरियल इंडेक्स इज इक्वल टू एम डिवाइड एम इज इक्वल टू ई बाय रो, मतलब इसी तरह हम लाइट स्ट्रिप टाई के लिए भी कर सकते हैं। ये हमने कर दिया लाइट स्ट्रांग टाई के लिए, इसी तरह हम लाइट स्ट्रिप, इसमें स्टेपनेस टर्म आएगा, ठीक है। तो अब आएगा मटेरियल इंडेक्स फॉर ए लाइट स्ट्रिप बीम, ये कैलकुलेशन हम लाइट स्ट्रिप बीम के लिए भी कर सकते हैं। डिजाइन ए लाइट स्ट्रिप लाइट बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बी क्रॉस बी एंड लेन एल, ये एक बीम है जिसका स्टेपनेस जिसका डेंसिटी कम है और स्टेपनेस ज्यादा है। लाइट स्ट्रिप मतलब डेंसिटी कम, स्टेप मतलब स्टेपनेस ज्यादा, यंग मॉडुलस ज्यादा, इसका लेंथ एल है और इसका क्रॉस सेक्शन बी क्रॉस बी है, मतलब इसका वेट बी और थिकनेस या हार्ड बी बी है। एंड मस्ट नॉट डिफ्लेक्ट मोर देन डेल अंडर ए लोड एफ, इसका इक्वेशन ये है
कि ये अंडर ए लोड एफ इस डेल से ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन है डेल इज मोर देन आर इक्वल टू एफ एल क्यू डिवाइड बाई 48 EI। ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन जरूर नहीं कि आपको याद हो, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये, मतलब आप किसी चार्ट से या किसी टेबल से ये आप ले सकते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12। अब एच क्या है, हाइट है, इधर हाइट और वो बराबर है, तो एच की जगह हम बी पुट कर सकते हैं, एच की जगह हम बी पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसका हाइट भी बी है और इसका वेट या थिकनेस जो भी आप कहते हैं वो भी बी है, तो इसके इसलिए हम एच की जगह बी पुट कर सकते हैं। ये आई हमारे साथ आ जाएगा बी पावर 4 डिवाइड बाई 12, इधर हमारे साथ आई आ जाएगा बी पावर 4 डिवाइड बाई 12। ये बी पावर 4 में लिख सकते हो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमारे साथ ए के बराबर है, एरिया के बराबर है, बी फोर है तो बी फोर बराबर है ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे आ गया ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12। अब ये वैल्यू आप आई की वैल्यू आप यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दे, आई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दे, आई की वैल्यू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 12 आप यहाँ पे पुट कर ले इस आई में, तो हमारे साथ ये बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे पुट कर ले, ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा। और इसको रीअरेंज कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं, आसान है, तो हमारे साथ ये ए आ जाएगा 3FN डिवाइड बाई 2 सिग्मा एफ पावर 2/3, ठीक है, ये आसान है, आप प्रैक्टिस कर ले, कोई मसला नहीं होगा, मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन M इज इक्वल टू AL रो, ये आपको पता है, एलिमिनेटिंग एरिया को एलिमिनेट कर ले, एरिया को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो A की वैल्यू पुट कर ले, तो A की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, ये A की ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें, अगर हम यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे साथ ये इक्वेशन बन जाएगा, इसमें पहला फंक्शन कंस्ट्रेंट, फंक्शन दूसरा ज्योमेट्री है, और तीसरा क्या है, तीसरा हमारे साथ क्या नाम है यार, आप भी बोल गए, तीसरा हमारे साथ मटेरियल एंडेसेस है, मटेरियल एंडेस नाम ज़हन से निकल गया था, ठीक है, तो हमारे साथ इसको अगर हम रीअरेंज कर ले, तो पहला फंक्शनल कंस्ट्रेंट, दूसरा ज्योमेट्री और तीसरा मटेरियल एंडेसेस है, ठीक है, मटेरियल एंडेसेस इसी केस कंडीशन, इसको हम मिनिमाइज, रो ऊपर है, जब रो ऊपर और स्ट्रेंथ नीचे तो इसको हम मिनिमाइज करेंगे, अगर इसका रेसिप्रोकल लिख ले तो इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है, तो हमारे साथ ये मटेरियल इंडेक्स बन गया। तो मटेरियल इंडेक्स हमने मालूम किया, मटेरियल इंडेक्स हम मालूम कर लें तो फिर हम एक मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, मास उसका हम मालूम करेंगे, इस सारी डेटा की मदद से हम मास मालूम करेंगे, लेंथ हमें गिवन हुआ कि इतना लेंथ है, 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इसकी मदद से हम मास मालूम करते हैं, तो फिर जो हमारे साथ 10 या 20 या 50 मटेरियल आए हो तो उससे हम अगर मास मालूम कर ले, फिर उसका मास हम उसके साथ मुआजिना करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे और फाइनल मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे, अगर एक दफा हम मटेरियल इंडेक्स मालूम कर लें। मटेरियल इंडेक्स फॉर अचीव स्टेप कॉलम, यही तरीका है जो पहले मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट में नेट बी वेल डिफाइंड, ऑब्जेक्टिव और कंस्ट्रेंट चेंज हो सकते, ये पहले मैंने आपको बताया था, फॉर रेसिंग कार ऑब्जेक्टिव इज मास एंड कंस्ट्रेंट इज कॉस्ट। एक कार है, मोटर है, आप रेस के लिए बनाते हैं तो आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव मास मतलब मास कम होना चाहिए, कॉस्ट ज्यादा हो, लेकिन इसका कोई कंस्ट्रेंट हो, मतलब खैर अगर उस पर 20 लाख रुपए खर्चा आए रेस के लिए बनाते हैं, 30 लाख आ जाए, लेकिन 30 या 50 से ज्यादा नहीं होना, वो कंस्ट्रेंट है। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी बाइक या कार लेते हैं, अपनी रोजमर्रा इस्तेमाल के लेते हैं, तो वह हम कास्ट को देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव फिर कास्ट होगा, हम पहले पूछते इसका कास्ट कितना है, अगर हम रेस के लिए बनाते हैं तो हम कहते हैं इसका मास कम होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होगा और कास्ट कंस्ट्रेंट होगा। लेकिन हम अपने रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए बाइक या कार खरीदते हैं तो पहले हम कार की कास्ट पूछते हैं कि इसका कास्ट कितना है, कास्ट ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, मास दूसरा ऑप्शन होगा, तो फिर उसी कंडीशन में मास कंस्ट्रेंट होगा, तो कंस्ट्रेंट और मास ये चेंज हो सकते हैं, फंक्शन अगर चेंज हो जाए तो फंक्शन के चेंज के साथ कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं। डिजाइन चीफ सिलेंडर कॉलम ऑफ स्पेसिफाइड हाइट
एन विच विल स्पेसिफाई सपोर्ट लोड एफ ऑन। लाइट होना चाहिए, चीपेस्ट होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि ये इसमें बकलिंग आ जाए, बकलिंग नहीं आना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सी कॉस में हमारे साथ बराबर है ए एल सी एम रो का। टू अवॉइड बकलिंग यूजिंग ए स्मॉल डाया कॉलम एफ इज लेस देन क्रिटिकल। ये क्रिटिकल फोर्स ये कम होगा, क्रिटिकल फोर्स के बराबर आ गए तो इसकी इसमें फेलियर के चांसेस होंगे। तो ये जितना लोड ये बर्दाश्त करेगा ये क्रिटिकल फोर्स से कम होगा और ये बराबर होगा एन पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय एल स्क्वायर। एन हमारे साथ कांस्टेंट है, आई इज इक्वल टू पाई आर फोर डिवाइड बाय फोर, और पाई आर फोर की जगह पाई आर फोर इसको पाई से डिवाइड कर ले, पाई से मल्टीप्लाई कर ले, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर आर फोर। तो पाई स्क्वायर आर फोर ए स्क्वायर के बराबर, आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर ए के बराबर है, तो एक पाई आर स्क्वायर एक ए की और दूसरा पाई आर स्क्वायर दूसरी ए की, तो ए स्क्वायर आ गया और पाई से डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ पे एक पाई की कमी थी, तो हमने एक पाई से मल्टीप्लाई किया तो नीचे पाई से डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ गया आई स्क्वायर डिवाइड बाई फोर आई। फाइनल इक्वेशन बन गया सी जी को डेस इक्वेशन, जिसमें हमारे साथ ये फंक्शनल, ये ज्योमेट्री और ये मटेरियल इंडेक्स बन गया। ठीक है, तो हमारे साथ ये मटेरियल इंडेक्स मालूम हो गया। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन मालूम हो, ठीक है, तो आप आसानी से मटेरियल इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। प्रोसीजर फॉर डिराइविंग मटेरियल इंडेक्स, डिफाइन द डिजाइन रिक्वायरमेंट। ये सारे पहले मैंने डिस्कस कर दी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने डिस्कस नहीं, स्लाइड में आप खुद देख लें। मेरे ख्याल में इसमें कोई मस्त फंक्शन कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्टिव प्री वेरिएबल, फिर मैंने आपको बता दिया कि कंस्ट्रेंट ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्री वेरिएबल आपका चॉइस है, मटेरियल सिलेक्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि ऑब्जेक्टिव आप ऑब्जेक्टिव में मास मैक्सिमाइज कोई चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे, लेकिन विद इन द कंस्ट्रेंट, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। ठीक है, लेस द कंस्ट्रेंट, ठीक है, एंड डेवलप एन इक्वेशन फॉर देम एफनेसी, जिस तरह हमने पहले कर दिया, develop an equation for the objective and term of the functional requirements, the geometry and the material fraction, develop ye equation jis tarah humne yahan pe develop kar diya, ye wala equation humne ye develop kar diya. Identify the pre variables, substitute for the pre variable from the constant equation and to the objective function, group the variable into three groups, is tarah jab hamare sath ye hai. Theek hai, to fir hamare sath performance isse कभी बस कंडीशन में कम आता है, बस कंडीशन में ज्यादा आता है, वो इक्वेशन पे डिपेंड करता है। तो वो फॉर्म लिखे हैं जो रीड अप द मैट्रिक्स इंडेक्स एक्सप्रेस एज अ क्वांटिटी एम दैट ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, एम इज द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेलेंस। मतलब इसको आप रीड कर लें, ऐसा सिलेक्शन कर लें जिस पे आप इसको मैक्सिमाइज करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, उसके मुताबिक आप ये सिलेक्शन कर लें। अब लाइट स्ट्रांग टाई रॉड, तो इसका फंक्शन ये आपको बता दिया कि टेंशन में स्ट्रांग होनी चाहिए, फंक्शन इसका ये है कि ये टेंशन में स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अवर ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज मास, ये आपको भी पता है। कंस्ट्रेंट लेंथ स्पेसिफाइड, लेंथ हमें गिवन हो, इतना लेंथ होगा, मस्ट नॉट फेल अंडर लोड एफ ऑन, रिक्वायर्ड फ्रैक्चर टफनेस इतना होगा कि ये फेल नहीं होगा। Equation for constraint on a f by a less than yield strength, pre-variable material choice है। ठीक है, तो अब हमारे साथ m बराबर है f l rho divided by sigma y, ये हमारे साथ वो equation आ गया जिसमें हमारे साथ functional geometry और material index सारे defined है। ठीक है, अभी सर light step beam के लिए भी आप define कर सकते हैं, इसके लिए भी सारी चीजें ये मैंने बार बार आपके सामने discuss कर दी, ये आप देख लें, इसमें कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बीम है तो बीम आपको पता है कि ये बेंडिंग में स्ट्रांग होगा, मिनिमाइज मास होगा। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ द बीम सी ई आई डिवाइड बाई ए क्यू, सी हमारे साथ कांस्टेंट है, आई सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इससे ये इक्वेशन आ गया, फाइनल हमारे साथ ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, वही पुटिंग करें जो पहले हमने कर दी, हमारे साथ फाइनल ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो एक दफा मटेरियल इंडेक्स आ जाए तो हम सारी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। लाइट स्टेप बीम इसका भी यही तरीका है। ठीक है, ये आप खुद देख ले, कोई इशू नहीं होगा, इशू तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसमें कॉमन मटेरियल इंडेक्स है जो पहले एक लेक्चर में हमने तीन चार डिराइव की थी, और जो यहाँ से इस टेबल से आप मालूम कर सकते हैं मुख्तलिफ कंडीशन में मटेरियल इंडेक्स
इंडेक्स आपको आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो ये इस टेबल से आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। डिसलेक्शन प्रोसीजर ये सारे हमने डिस्कस कर दिए। स्क्रीनिंग अप्लाइंग एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टी लिमिट्स, गो नो गो कंडीशन एंड ज्योमेट्रिक, गो नो गो में पहले हमने डिस्कस कर दिया था। पी क्रिटिकल से कम या ज्यादा हो, ये अब पी क्रिटिकल मतलब जिस पे ये फेल हो, पी क्रिटिकल वो लोड है जिस पे ये फेल होता है, तो ये कम या ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी कैन बी लाइफ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक, ये कुछ भी हो सकता है, लोड भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, कास्ट भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी भी हो सकता है, थर्मल रेजिस्टिविटी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है। ह्यूमिडिटी कंसर्न आल्सो जनरेट प्रॉपर्टी लिमिट ई जी लेंथ एस पेक्स्ट। ह्यूमिडिटी कंसर्न अक्सर लेंथ आता है, लेंथ पेक्स्ट होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बता दी। पी क्रिटिकल आर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी सेट बाय द डिजाइन, दिस मस्ट बी एक्सीड और मस्ट नॉट बी एक्सीड। पी क्रिटिकल मतलब कि इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। ई जी डेंसिटी लेस देन आर इक्वल टू 3 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, या यंग मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 गीगापास्कल, ठीक है। इसकी एग्जांपल है, ए क्वांटिफाइबल अपीयर एज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ऑन द मटेरियल सिलेक्शन चार्ट, ए विंडो विल अपीयर। ये जो 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 स्लोप आप ड्रा, कंटूर आप ड्रा करते हैं और उससे आप मटेरियल मालूम करते हैं। मटेरियल इंडेक्स ऑन चार्ट, तो ये चार्ट और ये जो लॉग हमने लिया है, ये पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया, वहां से आप देख लें, इसमें मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा। लॉग हम लेते हैं और इस लॉग के मतलब हम स्लोप मालूम करते हैं, उससे हम मटेरियल इंडेक्स मालूम करते हैं, ठीक है। हम मटेरियल सिलेक्शन चार्ट से करते हैं, तो ये स्क्रीनिंग है, ये लो लो रीजन है, ये हाई लो रीजन है, ये लो हाई रीजन है और ये हाई हाई रीजन है। इसकी मदद से आप किसी भी रीजन से मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मैंने आपको थ्री कंट्रोल है, मैंने आपको तीन अगर इंडिपेंडेंट हो या तीन इंडेक्स आ गई, तीनों को आप ड्रा कर लें, इसका जहां इंटरसेक्शन हो तो वह इस रीजन में हम मटेरियल सेलेक्ट, अगर एक कंटूर हो तो एक कंटूर के नजदीक उसके ऊपर जो मटेरियल वहां से हम सिलेक्शन करेंगे, अगर दो से ज्यादा एक से ज्यादा कंटूर हो तो उसका इंटरसेक्शन जहां पे हो उससे हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिटेल लिखा है, ऑल द मटेरियल व्हिच लाई ऑन द लाइन ऑफ कांस्टेंट परफॉर्म इक्वली वेल, मतलब जो लाइन के करीब हो वो वहां से हम सिलेक्शन करेंगे। दोज अबव द लाइन आर बेटर, दोज बिलो द लाइन आर वर्स, मतलब जो कंटूर आपने ड्रा कर दिया उससे अबव जो मटेरियल हो वो बेस्ट होंगे और जो बिलो हो वो वर्स्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पे एम इंडेक्स मालूम किया है, तो इंडेक्स 0.1 से 3 तक हो सकता है, मतलब मटेरियल इंडेक्स आपने मालूम किया 0.1 to 3, और आपको गिवन हो कोई ई मटेरियल इंडेक्स होना चाहिए तो आप उसके मुताबिक फिर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। एम इज इक्वल टू 1 हैज 1/10 द वेट ऑफ 1 वेज 0.1, अगर एम 1 आ जाए और दूसरी कंडीशन में 0.1 आ जाए, ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ इससे 10 टाइम कम है, इससे इसका स्ट्रेंथ 10 टाइम कम है, इसका मतलब ये है स्ट्रेंथ नहीं सॉरी वेट, द सबसेट ऑफ मटेरियल, क्योंकि रो रो के साथ मुआजना है तो वेट की बात हम करेंगे। द सबसेट ऑफ मटेरियल विद पार्टिकुलर द गुड वैल्यूज ऑफ द इंडेक्स एज आइडेंटिफाई बाय टेकिंग ए लाइन which isolate a search area containing a reasonable short number of candidates. यही बात क्या है कि आप लाइन ड्रा करेंगे और उस लाइन के ऊपर जो नजदीक मटेरियल हो वहां से आप सर्च करेंगे। The short list of the candidate material is expanded or contracted by moving the index line. इसको आप index line को आप expand करते हैं, contract करते हैं, तो इससे आप selection कम या ज्यादा कर सकते हैं। मतलब आपने material index line ड्रा कर दिया, आप उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कंट्रैक्ट करते हैं तो मटेरियल सिलेक्शन कम होगा, एक्सपेंड करते हैं तो मटेरियल सिलेक्शन ज्यादा मटेरियल उसमें आएंगे, तो फिर वही मटेरियल इंडेक्स चार्ट है, ठीक है। और ये हमने डिस्कस कर दी, ठीक है। फिर वही सॉफ्टवेयर यूजिंग सीए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की मदद से यहाँ पे आप मटेरियल डिफाइन करते हैं, आपसे यहाँ पे आपके साथ मुख्तलिफ चार्ट आते हैं और इस चार्ट से आप सिलेक्शन करते हैं जो पहले मैंने आपके सामने डिस्कस की है, ठीक है। और ये इसकी समरी है आज के लेक्चर का। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर मेरे ख्याल में तो इंटरेस्टिंग भी था, आसान भी था, तो आप इसको खुद स्टडी कर लें, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।